सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द थिंकर्स थिंक्स और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल द थिंकर्स थिंक्स में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन से जुड़ी एक अपडेट देना चाहता हूं। दोस्तों जी हां, आप लोग सही, जैसा कि आपको थंबनेल में देखकर समझ में आ गया होगा कि एलपी एंड टेक्नीशियन की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। दोस्तों सही सुन रहे हैं आप लोग, एलपी एंड टेक्नीशियन की एग्जाम डेट ऑफिशियली रेलवे बोर्ड की तरफ से अब घोषित कर दी गई है। डेट आ गई है दोस्तों, एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगस्त महीने में होने वाली है परीक्षा। तो दोस्तों मैं वही आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूं, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिस जो कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली जारी किया गया है। दिख रहा होगा आप लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये किया गया, यानी कि सेंट्रल एम्प्लॉयज न्यूज 01/2018 एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट, जैसा कि जिन छात्रों ने भरा होगा एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। देख लिए दोस्तों, आपको मैं सब डिटेल आपको एक एक बार में बताता हूँ, वन बाय वन आप देखते रहिए बस। नोटिस ऑन फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए? सीबीटी के लिए, जो एएलपी और टेक्नीशियन की जो परीक्षा होने वाली है, जो पहला स्टेज है उसके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। दूसरा आपके में लिखा है द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी फॉर रिक्रूटमेंट फॉर एएलपी एंड टेक्नीशियन हैज बीन शेड्यूल्ड, कैंडिडेट में नोट द फॉलोइंग। तो दोस्तों क्या है देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी आपका होने वाला है 09/8/2018, मतलब 9 अगस्त 2018 को हमारा फर्स्ट स्टेज का सीबीटी होने वाला है। एक्टिवेशन ऑफ मोक लिंक ऑफ फॉर फर्स्ट स्टेज सीबीटी और मोक लिंक कब एक्टिवेट होने वाला है? 26 जुलाई 2018 को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखा है हमारा इंटीमेशन ऑफ एग्जाम सिटी डेट एंड सेशन ऑफ द कैंडिडेट, वो भी हमारे 26 जुलाई 2018 को आपके ई जो कॉल लेटर रहता है दोस्तों, आपकी एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट और आपके टाइमिंग भी आपकी, यानी शिफ्ट भी आपको बता दी जाएगी। कब दोस्तों? 26 जुलाई 2018 को। कब बता दी जाएगी दोस्तों? 26 जुलाई 2018 को आपको ये तीनों चीजें बता दी जाएंगी। और दोस्तों आपका पेपर कब होने वाला है? 9 अगस्त 2018 को, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है अब आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। नीचे लिखा है डाउनलोड ऑफ ई कॉल लेटर 4 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ द सीबीटी ऑफ द कैंडिडेट, इसका मतलब है दोस्तों आपके एग्जाम से 4 दिन पहले आपको एग्जाम जो एडमिट कार्ड है ई कॉल लेटर वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है कैंडिडेट में लॉग इन विद देयर क्रेडेंशियल ऑन द अबव मेंशन डेट्स थ्रू द लिंक टू प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर नोइंग देयर एग्जाम सिटी डेट एंड सेशन एंड डाउनलोडिंग ट्रेवल अथॉरिटी फॉर एससी एसटी कैंडिडेट ओनली एंड ई कॉल लेटर। तो दोस्तों आपको पता है एससी और एसटी वालों को ट्रेवल अथॉरिटी यानी किराया वगैरह मिलता है, तो वो लोग भी 36 जुलाई को अपना कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं इसके बारे में क्या है, सीबीटी एग्जाम में क्या होने वाला है, ड्यूरेशन ऑफ सीबीटी में क्या होगा दोस्तों, 60 मिनट की एग्जाम होने वाला है, 80 मिनट्स वो एलजीबी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अकम्पनी विद स्क्राइब, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं दोस्तों? 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन है हमारे? एमसीक्यू है सारे, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग याद रखिएगा 1/3 की होने वाली है, ठीक है दोस्तों, यानी 3 गलत पर 1 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिस, और आपकी लास्ट में जाते जाते मैं बता दूंगा एग्जाम डेट कब है रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की, 9 अगस्त 2018। तो दोस्तों पढ़ाई बहुत अच्छे से अब करना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है दोस्तों। 9 अगस्त 2018 से आपके एग्जाम है, पहला एग्जाम आपका जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी है वो 9 अगस्त से है, ठीक है। और दोस्तों लिंक ई कॉल लेटर आपको कब मिल जाएंगे? 26 जुलाई 2018 का, ठीक है दोस्तों। अभी आप लोग ऐसी चैनल पर अपडेट बनाए रखें दोस्तों, जैसे ही एडमिट आएंगे आपको चैनल पर अपडेट दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करने का उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू।